हाय, वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैग टीवी। आज मैं आपके लिए एक बारी फिर से लेके आई हूँ तड़कती और भड़कती स्ट्रेट फ्रॉम द बॉलीवुड। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पागल पंती के रिव्यूज काफी अच्छे नहीं आए। जैसा कि उसका ट्रेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉमेडी जैसा लग रहा था, वो मूवी एकदम बकवास जा रही है। कोई भी उनके जोक्स पर नहीं हंस रहा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लोग थिएटर में से उठकर जा रहे हैं। वो मूवी टोटल धमाल जैसे लेवल की है, जैसे कि टोटल धमाल बिल्कुल ही फ्लॉप थी। सिमिलरली पागलपंती भी फ्लॉप जा रही है। उसने अभी तक खाली 20 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बजट वॉज 84 करोड़। अब बात करते हैं मोतीचूर चकनाचूर के बारे में। जैसा कि हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हमेशा एक सीरियस टाइप के रोल में देखा है, उनकी कॉमेडी भी काफी ज्यादा डार्क होती है। उसी के साथ साथ इस मूवी में वो एक कॉमिक रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा प्लीजिंग नहीं लग रहा। अतिया शेट्टी, जिनकी एक्टिंग अच्छी बोली गई है और स्टोरी लाइन जो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके बावजूद ये मूवी फ्लॉप जा रही है, क्योंकि एक्टर्स अपने रोल में काफी ज्यादा सूटेड नहीं है। ये मूवी कॉमेडी तो है, लेकिन इतना ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई। मोतीचूर चकनाचूर ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर खाली 2.8 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बजट वाज अराउंड 18 करोड़। अब बात करते हैं मरजामा के बारे में। मोतीचूर चकनाचूर के साथ साथ मरजामा भी रिलीज हुई थी ऑन द सेम डेट। एक विलन के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख एक बारी हमें फिर से साथ में टीवी स्क्रीन पर देखने को मिले, लेकिन ये मूवी बिजनेस अच्छा नहीं कर पाई। एक विलन भी फ्लॉप थी, सिमिलरली मरजामा भी फ्लॉप है। उसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा क्लीशे है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। वो मूवी तारा सुतारिया की ये सेकेंड मूवी है, जो इनकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी, लेकिन उन्होंने इस मूवी का पार्ट होने का एक बैड डिसीजन दिखाया, क्योंकि मूवी ने खाली 41 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बजट 50 करोड़ का था। Thank you.
अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना की बाला के बारे में। बाला इज अनस्टॉपेबल, वो अभी तक थिएटर्स में रन कर रही है और उसका बिजनेस 104 करोड़ का हो चुका है जबकि बजट वॉज ओनली 45 करोड़। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग सुपर डुपर हिट कही जा रही है। यामी गौतम और भूमि पेंडिकर भी एक बहुत अच्छे किरदार में देखी जा रही है। भूमि पेंडिकर ने एक बारी फिर से सबको इम्प्रेस कर दिया है अपनी एक्टिंग स्किल्स से। शी इज वेरी मच डायनामिक, वो हर रोल में फिट हो जाती है और इस मूवी में वो एक डार्क कलर्ड वुमेन का रोल कर रही है जो कि अपने कलर से बहुत ज़्यादा खुश है लेकिन सोसाइटी उस कलर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो वो आयुष्मान खुराना को भी समझाते हैं कि उन्हें अपने गंजेपन को अपनाना चाहिए, अपने आप को एक बारी फिर से आईने में देखे खुद से प्यार करना सीखना चाहिए और इसी के साथ साथ पूरी सोसाइटी को मैसेज मिलना चाहिए कि जैसे भी हम हैं वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। आयुष्मान और आपकी बात करता हूँ, आई मेट यार आयुष्मान अ डे बिफोर, यस, एंड ही सेड कि दम लगा के हैशा वाज अ लाइफ सेवर फिल्म फॉर एंड यू वर द वन हु स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इन द इंडस्ट्री, व्हाट्स योर टेक? आई थिंक हम दोनों के लिए दम लगा के हैशा एक लाइफ चेंजिंग फिल्म थी क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म थी और बहुत ही डराव, मतलब ऐसी फिल्म थी जहाँ पे मतलब मुझे ये नहीं पता था हो सकता है लोग मेरा पास हो सकता है उस फिल्म के बाद कभी करियर ही ना हो। और आयुष्मान के लिए भी एक बहुत स्पेशल फिल्म थी तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो डेफिनेटली हम दोनों के लिए सेम है, इसलिए आयुष्मान हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए क्योंकि हम दोनों कितने स्पेशल जर्नी का हिस्सा बने। फिर हमने साथ शुभ मंगल सावधान करी, अब बाला कर रहे हैं और इससे बेटर फिल्म नहीं हो सकती थी हमारे लिए कि हम रिकोलैबोरेट करें। बहुत ही सिंपल फिल्म है, एक ऑनेस्ट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो बहुत अलग अलग प्रकार के इमोशन आपके अंदर लाती है और हम दोनों बहुत ही अलग दिख रहे हैं इस फिल्म में ऑफ कोर्स, एंड हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अलग है इस फिल्म में। यूजुअली मैं आयुष्मान रोम कॉम्स करते हैं, यू नो लव स्टोरीज़ करते हैं विद अ ट्विस्ट, और इस बार हम दोनों इन अ वेरी टिपिकल वे रोमांटिकली एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने ये फिल्म करी कि मैंने कहा यार हम इतना मज़ा आता है एक दूसरे के साथ काम करके, कुछ अलग काम करके देखते हैं कैसा लगता है। अब बात करते हैं फ्रोजन 2 के बारे में जो कि पागलपंती के साथ रिलीज हुई थी। फ्रोजन ने अभी तक की सबसे ज़्यादा ग्रैंड ओपनिंग का कलेक्शन बना लिया है एनिमेटेड मूवीज़ में। उनका फर्स्ट डे कलेक्शन वॉज अराउंड 3.74 करोड़, विच इज़ ह्यूज, एंड उसी के साथ साथ उनका 3 डेज का कलेक्शन है 23 करोड़। फ्रोजन 2 इज़ गोइंग रियली वेल एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। अब मैं बात करने जा रही हूँ टिकटॉक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम यंगस्टर्स के बीच में नहीं लेकिन ओल्ड जनरेशन के बीच में भी। जैसा कि हमने बाला मूवी में देखा कि आजकल के सेलिब्रिटीज़ भी टिकटॉक के पीछे पागल हुए पड़े हैं, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पे वीडियोज़ बनाते हैं, उसी के तरीके से टिकटॉक हैज़ क्रॉस 1.5 बिलियन डाउनलोड मार्क, विच इज़ ह्यूज। टिकटॉक इज़ सो मच इन ट्रेंड कि आजकल हम हर बंदे को टिकटॉक पर पा सकते हैं एंड उनकी वीडियोस देख सकते हैं। टिकटॉक से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि वो अपनी कितनी ही भी फनी वीडियोस शेयर कर लेते हैं।
Now let's talk about बेटी बी. आप सब सोच रहे होंगे कि बेटी बी किसका नाम है. बेटी बी आराध्या बच्चन का नाम है जो कि अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर है. उनका नाम बेटी बी इसलिए रखा गया था क्योंकि ऐश्वर्या बच्चन और अभिषेक बच्चन को ऑलमोस्ट 4 महीने लग गए उनका नाम सोचने में और अब वो आराध्या बच्चन के नाम से जानी जाती है. आराध्या बच्चन इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार क्योंकि लोग उनकी वीडियोस इतनी बारी देख चुके हैं और उनको पब्लिक इवेंट्स पर देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. ऐश्वर्या राय जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है बॉलीवुड में और उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी जानी जाती है एज शी वॉज द मिस वर्ल्ड 1994 द ब्यूटी क्वीन विद द ब्लू आइज. उनकी डॉटर होने के बाद पब्लिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उनके उनको ऐश्वर्या राय का एक यंगर वर्जन देखने को मिल रहा था. ऐश्वर्या राय वॉज इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सलमान खान लेकिन उनका ये रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक चलने के बावजूद टूट गया क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी. लेकिन पब्लिक वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़. शी गॉट एंगेज इन 2007 विद अभिषेक बच्चन एंड फिर 2011 में उनकी बेटी हो गई. हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उन्हें देखा और अब आप लोग भी देखिए ये क्लिप. अब बात करते हैं इमरान हाशमी की अपकमिंग मूवी के बारे में जो कि 13th ऑफ दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इसका ट्रेलर आ चुका है एंड मूवी का नाम है द बॉडी जो कि कॉमेडी के साथ साथ थ्रिलर लुक भी दे रही है. इस मूवी में हमें ऋषि कपूर भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ ये मूवी थोड़ी डार्क कॉमेडी लग रही है. इसके ट्रेलर पर 12 मिलियन व्यूज आ चुके हैं एंड द ट्रेलर सीम्स गुड. यू शुड वॉच इट. जैसा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि नो एंट्री का सीक्वल फाइनली आने वाला है जिसका नाम होगा नो एंट्री में भी एंट्री. लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा अब अपसेट होने वाली है क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान नहीं होंगे. उस फिल्म में सलमान खान का रोल कोई और प्ले करेगा जो कि प्रेम कहलाएगा एंड इट्स अ बिग सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. वो ये मूवी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उस मूवी में अर्जुन कपूर भी होंगे जो उनकी सिस्टर इन लॉ को डेट कर रहे हैं मलाइका अरोड़ा खान को. सलमान खान ने ये भी बोला कि स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा मिसयूज होए जा रहे हैं एंड लोगों को वो यूज़ नहीं करने चाहिए.
उनका कहना है कि वो फिटनेस के लिए स्टेरॉइड्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं जिससे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है. सो पीपल शुड रिलाई मोर ऑन नेचुरल रेमेडीज रादर देन यूजिंग स्टेरॉइड्स. आजकल जो स्टेरॉइड वगैरह चक्कर चल रहा है, यही पूछना चाह रहे थे ना. हाँ, ये बहुत गलत चक्कर चल रहा है और किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए. यूज़ तो क्या, बहुत सारे लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, विच इज़ रियली बैड फॉर देयर बॉडीज एंड फॉर देम, क्योंकि इससे लिवर, किडनी, हर चीज़ मीन्स लाइक ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते इन्होंने निकल लिए, कि हार्ट फेलियर्स हुए हैं लोगों का. So it is not the right thing to do. It's not a good thing to do at all. So I think from steroids, stay away. Protein shakes wagara, supplements wagara, theek hai, enhancers theek hai. But ye jo is level ka steroids jo ja raha hai logon ke andar, wo body to ban jati hai. Lekin wo dikhti hai ki ye steroid ki body hai, natural body hai nahi. Aur uske baad wo body zyada tikti nahi hai aur na hi wo tikte hain zyada. ड्रीम गर्ल के सक्सेस के बाद नुशरत भरूचा हमें एक रेड कार्पेट इवेंट पर देखने को मिली एंड शी वॉज लुकिंग ऑल डैशिंग इन द मेटालिक ड्रेस. और उन्हीं के साथ साथ हमें राहुल बोस भी देखने को मिले, सुभाष खई और रेमो डिसूजा भी उधर मौजूद थे. Thank you for watching the show. See you next week.